हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ अनुराधा, एक टैरो कंसल्टेंट। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये भी बहुत एक स्पेशल एंजल नंबर के ऊपर है। एंड ये मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, देन आई थॉट कि चलिए मैं इस पर आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ। एंड ये नंबर है जो आप बहुत लोगों को दिखाई देता होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी एंजल नंबर के ऊपर बहुत सारी वीडियोज अपलोड की हुई है, फ्रॉम 1111 से लेके ऑलमोस्ट 111 तक सारी वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो उस चैनल उस मेरे आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने सारी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है। प्लस मेरे चैनल पे आपको स्विच वर्ड से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और एंजल नंबर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, आपने नहीं देखे हैं, तो उनको ज़रूर देखिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगती हैं, सो दैट कि मैं आपके लिए और नई वीडियोज़ लेके आऊँ। तो आज हम बात करते हैं बहुत ही स्पेशल एंजल नंबर के बारे में, और वो नंबर है 999। नाइन नंबर, यू नो न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 1 to 9 तक होता है, एंड 9 के बाद दोबारा से 1 आ जाता है। 10, 11 को एज अ सिंगल नंबर 1 काउंट करते हैं, 11 काउंट एज 2। सो 9 जो होता है दैट रिप्रेजेंट एंडिंग, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो अगर आपको 999 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कोई एस्पेक्ट ऐसा है जो कि एंड होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो जाए, हो सकता है कि आपकी जॉब आप लूज कर जाए, हो सकता है दैट यू मे लूज अ पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, इट वुड बी योर फ्रेंड, मे बी योर पार्टनर। लेकिन ये जो भी होता है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको 999 नंबर दिखाई दे रहा है, सो दैट नंबर इज बेसिकली आस्किंग यू टू ट्रस्ट द इंट्यूशन, टू ट्रस्ट योर गार्डियन एंजल। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, हो सकता है आपको कोई मैसेजेस आ रहे हो। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, यू नो, तो इसका मतलब एक फेज आपका खत्म हो रहा है। लेकिन जब कोई चीज़ एंड होती है तो एक न्यू बिगिनिंग भी होती है उसके साथ। जैसे 9 के बाद नंबर 1 आता है, 9 रिप्रेजेंट एंडिंग, 1 रिप्रेजेंट न्यू बिगिनिंग। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरे दरवाजे खुल रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नया अच्छा होने वाला है। ये जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये तभी हो रही हैं क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करती हैं, आपके आपकी लाइफ से अलाइंड नहीं है। दैट इज वाई यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज। सो अगर आपको 999 दिखाई दे रहा है, सो एंजल्स आर सेइंग कि ये जो टाइम है डेफिनेटली टफ टाइम है आपके लिए, लेकिन आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही है। सो इसको आपको बहुत ही ग्रेसफुली लेना है, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। उस टाइम पे डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हमारी लाइफ से कोई पर्सन जाता है, या फिर व्हेन वी लूज अ जॉब, या फिर व्हेन वी लूज सर्टेन थिंग जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होती है। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि ओके, वो पर्सन हमारे लिए था ही नहीं, या वो जॉब हमारे लिए थी नहीं, हमारे लिए तो यूनिवर्स ने कुछ और अच्छा प्लान कर रखा है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिग्नल फ्रॉम एंजल्स टू से कि ओके, ये टाइम जो आपकी फेज लाइफ में आया है ये बहुत ही टेम्प्रेरी फेज है, बहुत अच्छा कुछ आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है वो आपको मिलने वाला है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन, आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ फोकस करना है। अगर आपको 999 दिखाई दे रहा है, सो एंजल्स आर आस्किंग यू टू एम्ब्रेस दिस चेंजेस, मतलब कि ये जो फेज आपकी लाइफ में आया है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, आपको इसको एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है कि ओके, ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है, ये जो पर्सन मेरी लाइफ से गया है, या ये जो अगर मेरी जॉब गई है, तो इट मीन्स कि येस, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ये एटीट्यूड आपको रखना है। अगर आप सिर्फ फोकस करते रहेंगे कि ओ माय गॉड, अब मैं इस पर्सन के बिना कैसे रहूंगी, या ये जॉब चली गई, अब मैं क्या करूंगा, या मैं कैसे मैनेज होगा, एंजल्स आर सेइंग कि आपके लिए कुछ अच्छा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, उस पर फोकस करो। आप उन सब चीज़ों पर मत फोकस करो, लेट गो करो, ये जो भी चीज़ें बेसिकली आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपके थॉट्स के साथ, आपकी लाइफ के साथ अलाइंड नहीं है, आपके पर्पस के साथ अलाइंड नहीं है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ हैपनिंग। हम हमेशा बोलते हैं ना कि लाइफ में कोई आता है किसी रीज़न से आता है, और कोई जाता है वो भी किसी रीज़न से जाता है। सो अगर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो एंजल्स आर सेइंग एंड यू आर सेइंग 999, तो एंजल्स आर सेइंग कि इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि ओके, ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है।
जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है. एंड यू नो जब आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे एंड देन यू विल सी कि कैसे आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है. सो दिस इज अ सिग्नल फ्रॉम एंजल. अगर आप 999 देख रहे हैं सो आपको इस मोमेंट को, इस सिचुएशन को, ये जो आपके साथ हो रही है, जो आपके सराउंडिंग में अगर हो रही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और लेट गो करना है कि ओके ये एंजल का सिग्नल है, यूनिवर्स वॉन्ट्स मी टू एक्चुअली फोकस ऑन माई न्यू बिगिनिंग. मुझे इन सब अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है जो मेरी लाइफ के लिए है ही नहीं, जो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं उस पर फोकस क्यों करूँ. ओके अगर आपको 999 नंबर दिखाई दे रहा है सो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम नेगेटिव फेज, यू नो, या मान लीजिए आप स्ट्रेस में है, या मान लीजिए आप ऐसी किसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपने रिलेशनशिप से, समथिंग, एंड यू नो लाइक आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है. मतलब होता है ना बहुत बार हमारी सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, वही एक स्टैगनेंसी आ गई है. सो और अगर आपको ये थॉट्स चलते हैं और आपको ये नंबर दिखाई देता है, सो एंजल्स आर सेइंग कि आपको अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है. व्हाट इज़ द सोल पर्पस? 999 का मतलब ये होता है, एंजल्स आर सेइंग कि आपको अपने सोल पर्पस को ढूंढना है. दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं इस लाइफ में क्या करने आया हूँ, क्यों मेरा बर्थ हुआ है. सो यू नीड टू फाइंड आउट. बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने सोल पर्पस ढूंढने की, लाइक आप कोई हीलिंग ले सकते हैं, आप विपस्ना में जा सकते हैं. दैट यू नीड टू फाइंड आउट एंड यू फॉर दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपकी एंजल्स ही आपको गाइड करेंगे क्या करना है. सो अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव फीलिंग, डिससेटिस्फैक्शन, एंड यूर लाइक कहाँ मेरी लाइफ जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंड आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट द इंट्यूशन, आस्क योर एंजल्स दैट व्हाट इज माय सोल पर्पस, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है इस प्लैनेट पे आने का. सो दैट एंजल इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट. अगर आपको 999 दिखाई दे रहा है, सो जैसे मैंने आपको बताया 999, अगर आप देखेंगे 999 का अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल होता है 27, और 27 को भी अगर आप वो करेंगे सिंगल डिजिट में तो 9 आता है. सो 9 नंबर बेसिकली आपको बोलता है, जैसे मैंने बोलता है एंडिंग का नंबर होता है, आप एक न्यू बिगिनिंग में एंटर कर रहे हैं. सो यू नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल टू दी एंजल कि आप एक नए, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यू नो, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो उस चैप्टर, नए फेज में जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. आप अपने सारे बैगेजेस, सारी नेगेटिविटी, वो सब आपको पीछे छोड़ के जाना है, क्योंकि जब हम एक नए फेज में एंटर करते हैं तो इट हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव, इट हैज़ टू बी वेरी फुलफिलिंग. वो तभी होगा जब आप फॉरगिव करेंगे दूसरों को, यू नो. अगर मान लीजिए किसी पर्सन के साथ आपको कोई इशू है, मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में आपको कोई परेशानी है, या किसी पर्सन से रिलेटेड कोई भी इशू है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, आपको उसको फॉरगिव करना है. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नए फेज में एक पॉजिटिविटी के साथ जाएं, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने पुराने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके जाएंगे. एंड इससे क्या हो जाता है, जब हम यू नो किसी को फॉरगिव कर देते हैं, जब हम बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ, बिल्कुल एक फ्रेश फीलिंग के साथ जब हम नए फेज में एंटर करते हैं, तो उससे ये भी हो जाता है कि हम जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं ना, तो हमारे जो कार्मिक पैटर्न होता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है. हमारी कॉर्ड कटिंग बोलते हैं ना, कि अब हमारी कॉर्ड कटिंग हो गई, अब हमारा उसके साथ एक कार्मिक कनेक्शन, जो क्योंकि जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, किसी से ग्रजेस रखते हैं, जेलसी रखते हैं, तो हमारा कार्मिक कनेक्शन बना रहता है एंड वो नेगेटिविटी यू नो चलती रहती है. सो यू नीड टू फॉरगिव अदर, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. जब तक हम खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे, हम दूसरों को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं. सो फॉरगिव योर सेल्फ एंड देन फॉरगिव अदर पीपल एंड देन एन्जॉय दिस न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ. सो दिस इज ऑल अबाउट 999. तो अगर आपको 999 दिखाई देता है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइए कि आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, आप के साथ इनमें से कोई सिचुएशन रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए. बहुत लोगों को नंबर दिखाई देते हैं एंजल नंबर, एंड एंजल नंबर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, उनको आप ज़रूर देखिएगा. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के बारे में मिल सके, पता चल सके. और मुझे बताइए कि आपको और किस एंजल नंबर के बारे में वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो मैं उनके ऊपर भी लेकर आऊँगी. वैसे तो मैंने 1 से लेकर 9 तक ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ बना दिया है,
बहुत सारे नंबर से बनाई है, बाकी आप मुझे बताइए। अगर और कोई नंबर है जो आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका मीनिंग लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन पे, एंड मैं आपके लिए वो वीडियोज लेके आऊँगी। और मुझे बताइए किन टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं कि वीडियोज आपके मैं आपके लिए लेके आऊँ। सो आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। हैव अ लवली डे। बाय बाय।